नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटीईटी 2019 का नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो। दोस्तों मैं आपके लिए सीटीईटी के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं और मैं नंबर सिस्टम के पहले दो वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने सारी थ्योरीज आपको कम्प्लीट कराई थी। आज से हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहला। उसके पहले बता दूं कि यदि आप मैथ्स में 30 में 30 नंबर लेकर आना चाहते हैं सीटीईटी में तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं कंप्लीट मैथ्स की आपको तैयारी कराऊंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक पहला देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में प्रश्न चिन्ह यानी जो प्रश्न चिन्ह का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जब कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है जैसे क्वेश्चन मार्क लगा है इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमारे लिए बताना होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जब हम इस प्रकार के कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्लस होता है माइनस होता है या डिवाइडेड होता है कुछ भी होता है तो हम आपको सबसे बेसिक नियम बता दें कि होते किससे हैं। ये होते हैं दोस्तों बॉड मास से। इस प्रकार के प्रश्नों में बॉड मास का रूल्स लगता है और बॉड मास का जो रूल्स लगता है वो मैं आपको बता दूं। बॉड मास का रूल्स क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीपल, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, है ना। अब सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा और यहां पर डिवाइड का मतलब होता है भाग, ओ यानी ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का और ब्रैकेट का मतलब होता है क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, है ना। ये चीज आपको क्लियर होगी। सेम इसी कंडीशंस में हम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और दोस्तों जिस स्टूडेंट्स ने यदि इस नियम को नहीं सीखा है वो इस प्रकार के क्वेश्चन 100% गलत हो जाते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए हम क्वेश्चन क्रमांक पहला देखेंगे। देखिएगा आपको लिखा है कि 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इसकी बराबर में क्या आएगा। तो दोस्तों देखिएगा कुछ लोग क्या आप जनरली क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। आप क्या काम करते हैं भैया, ये प्लस का है इसको और इसको घटा दे दे। आप यदि बॉड मास का नियम आपको पता नहीं तो आप जनरल यही करते, इसमें से इसको घटा देते क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये घटा देते और फिर जो बचता तो इसको और इसको आप जोड़ते। आप जनरल यही करते, इसको इसको जोड़ते इसको घटा देते और फिर जो आता तो फिर उसमें जोड़ना घटाना यही करते करते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा हूं, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एक भी गलती नहीं होगी जीवन में। तो हमेशा ध्यान रखना हमें बॉड मास का नियम फॉलो करना है। बॉड मास, अब देखिएगा बॉड मास में पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ यानी का कुछ भी नहीं है, डिवाइड है नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई भी नहीं है, अब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा पहले आया एडिशन और दूसरे पे आया सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एडिशन यानी जोड़ना करेंगे इसमें। ठीक है, तो जोड़ना करेंगे तो आप देखिएगा प्लस की एक संख्या ये है इसको जोड़ेंगे, दूसरी संख्या ये है इसको जोड़ेंगे, तीसरी संख्या ए है, इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। कैसे, अब नॉर्मल में आपको एक एग्जांपल 7960 2956 4028 आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ दोगे। इन तीनों संख्याओं को जोड़ दोगे तो क्या होगा, 8 6 14 14 की 4 हाथ की आई 1 आपकी हो जाएगा 6 6 5 कितने होते हैं 11 11 और 2 13 13 14 की 4 हाथ की आई 1। दोस्तों इसको सारा कंप्लीट जोड़ दोगे तो आपको ये बन जाएगा 9 2 18 एक 9 9 की हाथ की 1 हासिल आ जाएगी इसमें, तो 8 2 10 और 4 14 तो आपको ये टोटल मिल जाएगा 14944। अब आपको ये संख्या दी है, देखो किसकी दी है, माइनस की, तो आपको क्या दिया था पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में जैसे आपका 14944 आया इसमें से आप 8050 माइनस कर दोगे तो आपको 6894 ये आपके लिए आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और मैं बोल रहा हूं 100% दावे के साथ स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन गलत करते ही हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना आप जो भी क्वेश्चन करें आप बॉड मास का ही यूज करें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें भी दो हम क्या काम करेंगे, इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है,
इसमें क्वेश्चन मार्क बीच में दिया, अब इसकी जगह क्या करेंगे, तो वही सेम कंडीशन, इसको माने क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप एक्स रख लीजिए, 74156 माइनस एक्स माइनस का 321 माइनस का 20 प्लस का 520 बराबर 69894, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि यहां से जो कुछ भी संख्याएं होंगी आप क्या काम करोगे, इधर पर ट्रांसफर कर दोगे, ये आपका एक्स ही रहेगा, इधर पे इन सबको ट्रांसफर कर दो, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। तो चलिए इधर पे मैं पहले तो एक काम करूं, बोर्ड मास के रूल से आप कर सकते हैं, बोर्ड मास में क्या बोलते हैं देखिएगा, बोर्ड मास है ना, अब ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एडिशन कर दें और फिर इसके बाद सब्सट्रैक्शन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे ना। तो देखिएगा क्या करोगे आप इसके लिए, इसके लिए ट्रांसफर करना चाहें तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और ट्रांसफर नहीं करना चाहें तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखिएगा ए प्लस किया है, ए प्लस का आप इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 74156 इसमें जोड़ोगे आप 520, तो 6 और 7 और 6 और 4 और 7 यही मिला आपको, 74676 और ए मिला आपको माइनस माइनस का है, तो आप इसको माइनस का जोड़ दीजिए, 321 और 20 क्योंकि 1, 4 और 3 341। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया ये माइनस का है, ये प्लस का है ना, इसमें से भी यदि आप क्या काम करोगे, इसमें से इसको घटा भी दोगे तो घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 341 आपको मिला 5, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 और 4 और 7, ये मिला आपको प्लस का। और मैं दोस्तों आपको बेसिक इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, आप ये मत सोचना मैं यार आपको जोड़ घटाना सिखा रहा हूं, जोड़ घटाना बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ बेसिक क्लियर करना। अब आपको क्या मिल गया, 74335 माइनस का एक्स बराबर 69894 यही है, तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो एक्स बराबर मिलेगा आपको 74335 माइनस 69894, इसमें से माइनस कर दोगे तो एक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा, एक्स बराबर 69 और 70 और 2 6 4 74, तो आपको ये जो टोटल मिल जाएगा दोस्तों वो कितना मिल जाएगा, आपको मान के चलिए अपन घटा ही लेते हैं ना, देखो 5 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके लिए, 1 बचेगा, ठीक है, 3 के माने 13 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 3 के माने 13 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे, क्यों, हासिल इधर आ जाएगी, 4 के माने 14 14 में से 9 जाएंगे, हासिल आ गई, इधर 10 हो जाएंगे तो 4 बचेंगे, हासिल आ जाएगी इधर पे, तो एक कैंसिल, 7 में 7 कैंसिल, तो 4441 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे बता रहा हूं, मैं इस फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं कि वीडियो बना के मैं सिर्फ छोड़ दूं, मेरा सिर्फ कर्तव्य यह है कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊं वो समझ में आ जाए, टाइम भले लग जाए दोस्तों ये, क्योंकि हमारा पहले वीडियो है जो प्रैक्टिस के वीडियो है, थोड़ा सा आपको लगेगा समय कि यार मैं आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, लेकिन जिस दिन आपसे प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आप चुटकियों में हल कर दो इन क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब ये आ गया एक मल्टीपल वाला, तो इसमें तो मल्टीपल ही कोई बात ही नहीं होती है, 916 × x मान लो इसको, 3 = 214344। अब आपको पता है कि एक्स यहां रहेगा तो 214344 अपॉन में 3 × 916 आ जाएगा, इसको काट दो, 3 * 21 3 * 3 = 12 और इधर आ जाएगा 3 * 12 और 3 * 8 = 24, और इससे सीधा काट दोगे यदि आप 916 का यदि डायरेक्ट इसमें भाग दो दोगे तो दोस्तों 78 आएगा, आप देखे देख लीजिए, तो x बराबर आपको मिलेगा 78 आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। मैंने आपको जो बोर्ड मार्क्स का नियम बता रहा हूं वो बहुत ही इजी और शानदार है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इधर पे, अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई यार, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो आप कर नहीं पाओगे। आप खुद सोचोगे यार कि इतना बड़ी मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, आधा घंटा गुजर जाएगा और गलती भी कर दोगे उसमें। तो इसमें क्या करना, 72519 इंटू एक इतना लिखा 9999, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9900 यदि 99 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10000 माइनस एक लिख सकता हूं, क्योंकि 10000 में से एक चला जाएगा तो 9999 ही बचेंगे, बच जाएगा ना। तो अब इसका सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 72519 इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 2 3 4 0 माइनस 72519 और इसमें से इसको घटा दो। जब इसको इसमें से घटाओगे तो आपको देखिएगा जीरो को जीरो को माना था, 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक बचेगा। फिर हाथ ला गई इधर पे तो जीरो को माना था, 10 में से 2 गए तो 8 बचे। हाथ ला गई इधर पे, जीरो को माना 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचे। हाथ ला गई इधर पे तो जीरो को माना 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। हाथ ला गई इधर पे तो 9 में से ये सारे 9 में से 8 जाएगा, 9 में से आपका 8 जाएगा तो एक बचेगा। हाशिल आ गई, अब खत्म ही हो गई सारी कहानी। तो अब आप इसको जैसा था 72 51 को लिख दो, सिर्फ 72 51, तो आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा। कितना इजी है, आपको सिर्फ इसी तरीके से हल करना। आप दोस्तों इसको प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपसे बेहतरीन बनने लगेंगे। और मैंने बता दिया आपको, मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं वीडियो बना दूं और भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं, समझ में आए ना आए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में बेहतर आए। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर कंफ्यूजन हो जाओगे कि यार 999 की पावर 2 लगी और 958 की पावर 2 लगी, इसमें क्या करेंगे। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जब बनेगा तो आप इसको क्या कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को एक्सप्लेन करोगे तो ए प्लस का बी और a माइनस का b यही मिलेगा। तो आप इसको मान लो a और इसको मान लो b, जहां पर a है वहां पे इतना रख दो, जहां पे b है वहां पे इतना रख दो, तो 999 प्लस का 998 और इनटू में 999 माइनस का 99 और 8, क्लियर सी बात। इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको यदि आप जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, 1997 और इनटू इसमें से एक चला जाएगा, 998 जाएगा तो एक बचेगा, एक का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 1997 ये आपको आंसर मिल जाएगा। कितनी इजी बात थी। तो दोस्तों इधर पर हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख लिए, अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कल जल्दी लेकर आएंगे और मैं रोज इसी प्रकार की प्रैक्टिस कराऊंगा। और दोस्तों आप भी सीटीईटी की तैयारी इसी प्रकार से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।